सो वेलकम गाइस टू सेकंड ट्यूटोरियल जिसके अंदर हम लैन केबल बनाएंगे स्ट्रेट भी और क्रॉस ओवर भी। इन सबको बनाने से पहले मैं आपको डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बता दूं। जो हम जैक यूज़ करते हैं इनको बोलते हैं RJ45, रियो जैक 45। इनकी कॉस्टिंग अलग अलग आती है। अगर आप कंपनी में ट्राई करते हैं, शॉप पर ट्राई करते हैं लोकल कंपनी का लेने का, तो 2-3 रुपये से आते हैं। अगर आप प्रेफर करते हैं डीलिंग का तो 11 रुपीज़ का भी आता है। और जैसे जैसे आप ब्रांड अच्छी ब्रांड पे जाएंगे इनकी कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्टिंग का इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। अगर आप MNCs वगैरह में जाएंगे तो ऑफकोर्स डीलिंग या सिस्को का ये यूज़ करते हैं, बट अगर आप इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स में जाएंगे वहाँ थोड़ा सा चीपर यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम यूज़ करेंगे इसका, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्पिंग टूल। इस टूल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा कटर, जिससे हम अपनी वायर को कट कर सकते हैं। सेकेंड होता है जिससे हम आउटर जो लेयर है अपनी वायर का उसको रिमूव करते हैं, ये सेंटर वाला पोर्शन। एंड थर्ड वन इज़ दिस वन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वायर होता है उसका जैक से उसको पंच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ ये मेरे पे ऑलरेडी एक वायर बना हुआ है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको तो इसमें मैं ऐसे करके इसको पंच करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके तीत ने इसको पंच कर दिया है। तो ये हमारा क्रैम्पिंग टूल होता है। लास्टली ये हमारा होता है टेस्टर, लैन केबल टेस्टर। और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं आता है। इट कॉस्ट यू अराउंड 130-150 रुपीज़। और क्रैम्पिंग टूल की भी कॉस्ट 100-150 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं होती है। लैन टेस्टर का यूज़ होता है सपोज़ हम वायर की बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। और ये भी चेक कर सकते हैं आपकी वायर स्ट्रेट केबल है या क्रॉस ओवर केबल। सपोज़ मेरे पास ये वायर, मैं इसको चेक कर देता हूँ कि ये वर्किंग कंडीशन में भी है या नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग जैक के लिए होता है, RJ11 है, RJ45 है, RJ11 का अदर एंड ये है। इसको अपने सेपरेट भी कर सकते हैं अगर वायर हमारी अंडरग्राउंड फिटिंग हो रखी है तो, चेक करने के लिए अपने इसमें डिटैच भी कर सकते हैं अपने इसको। अभी के लिए हम इसको साथ लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं RJ45 जैक अदर एंड का, उसका एक एंड मैं इस साइड लगा रहा हूँ और दूसरा इस टेस्टर में। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ इसमें नंबरिंग हो रखी है 1 से लेके 8 तक दोनों साइड। ऑलराइट, इस नंबरिंग से क्या पता चलता है, अगर दोनों साइड सेम नंबरिंग पे लाइट ब्लिंक कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट केबल। और अगर 1 पे नंबरिंग चेंज हो रहा है, लाइक 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 1 एंड 6 पे 2, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रॉस ओवर केबल। ऑलराइट, टेस्टर में तीन मोड्स होते हैं, एक तो हो गया ऑफ, एक होता है ऑन और एक होता है स्लो। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ एक बार ये स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने किया ऑन, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है नंबरिंग। तो अगर मेरे को इसको स्लो में देखना है तो मैं क्या करूँ, स्लो। अब आप देख सकते हैं स्पीड स्लो हुई है इस चीज़ की। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड लाइट्स एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट केबल। ऑलराइट, तो अब हम अपनी स्ट्रेट केबल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसी को स्ट्रेट केबल बना देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ RJ जैक लगे हुए हैं ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, एक तरफ से RJ जैक रिमूव करके उसको अपने वापस लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने RJ जैक की साइड को कट कर दिया। कट करने के लिए अगेन मैंने क्रैम्पिंग टूल का यूज़ किया। अब इसकी मेरे को आउटर क्लेडिंग रिमूव करना है। मैं इसको रिमूव करने के लिए इस सेंटर वाले पोर्शन का यूज़ करूँगा। इसका जो आउटर पोर्शन हम रिमूव करते हैं दैट शुड बी अराउंड 1 इंच। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आराम से सॉफ्ट हैंड से करिएगा, नहीं तो आपकी वायर भी कट हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये CAT5E की केबल है। इसमें आउटर पोर्शन में प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ये इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। प्लस इसमें थ्रेड होता है, थ्रेड इसलिए होता है कि मेरे को अगर ये वायर कट करनी है मैं इस थ्रेड को पकड़ के खींच सकता हूँ तो ये वायर आउटर पोर्शन टीयर आउट हो जाता है। इसको हम एक बार अलग कर देते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक वायर में 4 अलग अलग कलर के पेयर्स होते हैं, एंड दे आर ऑरेंज ऑरेंज वाइट, ग्रीन ग्रीन वाइट, ब्लू ब्लू वाइट एंड ब्राउन ब्राउन वाइट। तो केबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप हर एक पेयर को अलग अलग कर दें। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऑरेंज ऑरेंज वाइट वायर को अलग कर दिया मैंने।
सिमिलरली मैं ग्रीन ग्रीन वाइट की वायर को अलग कर देता हूँ। सिमिलरली ब्राउन ब्राउन वाइट को अलग कर देता हूँ और ब्लू ब्लू वाइट को भी मैं अलग कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चारों पेयर को अलग कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने यूज़ किया तो मैं आपके बेनिफिट के लिए जो हमने शीट यूज़ की थी स्ट्रेट केबलिंग को समझने के लिए उसको अगेन ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट केबलिंग में हम दोनों साइड सेम कलर कोडिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ब्राउन ब्राउन वाइट। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग करके वायर्स एक साथ करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ब्राउन ब्राउन वाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन वायर सारी वायर्स को इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग भी एक साथ कर दिया है। अब इनको आप एक पेन का यूज़ करके एक साथ प्रेस करके लाइक दिस, इससे क्या होता है कि आप ये वायर एक साथ स्ट्रेट हो जाते हैं, जो इनमें बेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलर कोडिंग ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ब्राउन ब्राउन वाइट। राइट, अब इनको हमने एक लेवल में काटना है। अब देखिए इसको जब कट करते हैं उसमें हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम इनको आरजे जैक में डालते हैं अगर कोई भी एक वायर हमारी छोटी रह जाती है, जैसे कि आप साइड से देख सकते हैं अगर कोई भी एक वायर छोटी रह जाती है तो जब हम इसको पंच करते हैं तो वो मिस कर देता है वायर को और हमारी जो स्ट्रेट केबल है या क्रॉस ओवर केबल है वो ख़राब हो जाती है। और ये आरजे जैक वंस ओनली यूज़ होते हैं, एक बार यूज़ करके दे आर नॉट रीयूजेबल। सो ध्यान रखिएगा जब भी इसको आप बना रहे हो तो एक ही लेवल में कट करें। देखिए आप ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें वायर अच्छे से इंसर्ट कर दिया है और अब मैं स्क्रू के थ्रू इसको पंच करूँगा इन टीथ को इन वायर में। राइट, देखिएगा ध्यान से इसको ऐसे अंदर डाला, आगे की तरफ वायर को पुश किया और अगर हम यहाँ से प्रेस करते देखिए आप टीथ अंदर जा रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखें सारे टीथ अंदर गए और ये वायर हमारी बन गई। रोको,